Hello everyone. So today we are going to solve the balance sheet related to internal reconstruction, because since this chapter is for 20 marks in the paper, so balance sheet can also be asked in the paper. So since we have learned how to pass the journal entries, we have also learned how to prepare the capital reduction. So in this session, we are going to see how to prepare the balance sheet completely. So this is the revision question for all the questions which we have solved previously, because in this question we are going to also solve the capital reduction, the journal entries and the format of balance sheet. Then we can see how to post the points related to balance sheet. So in the previous session we have seen how to prepare the notes to accounts. So aaj hum isme puri complete balance sheet kis tarike se banayenge reconstruction hone ke baad wo dekhenge. Kafi sare naye adjustments yahan pe hai. बैलेंस शीट पहले देख लेते हैं ध्यान से, जो हमने बहुत बार कैलकुलेशंस किया है. इक्विटी शेयर वैल्यू इज 10 लाख और फेस वैल्यू 10 है. अगर हम 10 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, दैट विल बी 1 लाख शेयर्स. तो इक्विटी के लिए 1 लाख है. प्रेफरेंस अगर हम देखें, प्रेफरेंस का भी यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है, तो 5 लाख को अगर हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट द आंसर एज 50,000. सो 50,000 प्रेफरेंस के लिए नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल है. 10% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, अदर लाइबिलिटीज. ऑन द असेट साइड वी हैव गुडविल कॉल्ड एज इंटेंजिबल असेट, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज फिक्टिशियस असेट्स. तो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन देखेंगे, देर आर मेनी एडजस्टमेंट, टोटल 7 एडजस्टमेंट्स ओवर हियर. तो ध्यान से सॉल्व करना आपको ये 7 एडजस्टमेंट्स को, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है देखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट सेज दैट ईच इक्विटी शेयर विल बी रिटर्न डाउन फ्रॉम ₹10 टू ₹6. तो फेस वैल्यू हमारा है 10 और 10 का वैल्यू कितना बना है, 10 का वैल्यू बना है ₹2.6. तो 10 माइनस 6 कितना होगा डिफरेंस, 4. तो जो भी आपका डिफरेंस होता है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिडक्शन में. सो एंट्री नंबर 1 काफ़ी इजी है, आपको पहले से हमने बहुत सारे सेशंस में इसको किया है. एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन. दिस इज फिक्स एंट्री. वेन एवर फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज ऐसा दिया होता है तभी आपको करना है इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिडक्शन. अब अमाउंट कैसे लिखना है, सबसे पहला स्टेप आपके क्वेश्चन में जो अमाउंट है 10 लाख का, उसको हम डेबिट साइड में कॉपी करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन देखेंगे. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में हमको लिखना है 10 लाख. हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1 लाख थे. तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाया, 10 का वैल्यू कितना हुआ 6. तो 1 लाख इंटू 6 करेंगे तो 1 लाख इंटू 6 विल बी 6 लाख. तो 6 लाख आपके क्रेडिट साइड में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिमेनिंग डिफरेंस विल बी 4 लाख. सो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आपको करवाए हैं, तो इसके लिए ये क्वेश्चन में पूरा नरेशन के साथ अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो ये क्वेश्चन से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. बिकॉज ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन का एक मिक्सचर है जिसमें सारे टाइप के एडजस्टमेंट्स कवर है. सो द नरेशन ऑल्सो हैव रिटन ओवर हियर, बींग रिड्यूस द वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम ₹10 टू ₹6. एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड में जाएंगे. एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड इज ईच 10% प्रेफरेंस शेयर्स इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम ₹10 टू ₹8. तो पहले ₹10 का फेस वैल्यू है, ₹10 का फेस वैल्यू कितना बना है, ₹10 का फेस वैल्यू 8 बना है. दिस प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड इंटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 ईच. अभी 8 के 2 बाइफर्केशन है. 8 का पहला बाइफर्केशन 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 ईच, ₹2 का प्रेफरेंस होगा, रिमेनिंग ₹6 का इक्विटी होगा. तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है. तो 10 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस बचता है, 2. दैट डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन. सो इस टाइप का पहले भी मैंने एडजस्टमेंट आपको करवाया था. सो द एडजस्टमेंट सेज दैट प्रेफरेंस इज रिड्यूस फ्रॉम ₹10 टू 8 और 8 के लिए 2 बाइफर्केशन किए हैं, ₹2 इज प्रेफरेंस एंड रिमेनिंग ₹6 इज इक्विटी. तो सिंपल एंट्री पास करना है. एंट्री विल बी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2. We are providing them 12% preference, we are providing them equity share capital and capital reduction भी आपके question में आएगा. अभी amount important है, journal entry करने के बाद amount कैसे आएगा. सबसे पहला step, check the question. Question में आपके पास 10% preference की value है 5 lakhs,
नंबर ऑफ शेयर्स है आपका 50,000। तो पहला स्टेप डेबिट साइड में आपको लिखना है 10% के सामने 5 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 5,000, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेफरेंस की वैल्यू कितनी है 2 रुपीज का प्रेफरेंस है। सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 1 लाख। सो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स थे 50,000, 50,000 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 लाख। इक्विटी के लिए कितना था, इक्विटी के लिए 6 था, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट विल बी इक्विटी 3 लाख्स। सो रिमेनिंग डिफरेंस कितना बचेगा 1 लाख, दैट इज योर कैपिटल रिडक्शन। सो वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। नॉर्मली एंट्री होता है प्रेफरेंस टू कैपिटल रिडक्शन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया है दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। सो नरेशन ऑल्सो हैव रिटन ओवर हियर, तो आप यही नरेशन आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आप सेम लिख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे जो डिनोमिनेशन है वो चेंज करना है। नेक्स्ट पॉइंट विल मूव एंड दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 3, 10% डिबेंचर्स एग्रीड टू वेव्ड 20% ऑफ देयर राइट्स। तो लेट अस चेक 10% डिबेंचर्स इन द क्वेश्चन। 10% डिबेंचर्स इज 2 लाख्स एंड 2 लाख्स के लिए उन्होंने वेव्ड किया है 20%। वेव्ड इज नथिंग बट रेमिशन कैंसल्ड, सिंपल मीनिंग 20% जो उनके राइट्स थे वो हम नहीं पे करेंगे। तो 20% अगर हम नहीं पे करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। और हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। सो आपका एंट्री बनेगा 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 2 लाख का कितना परसेंट ढूंढना है, 2 लाख का 20% कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 2 लाख का 20% कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 40,000। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20% तो दैट विल बी 40,000। तो अमाउंट विल बी 40,000। नरेशन इज वेरी सिंपल, नरेशन इज बीइंग रिड्यूस द क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज assets were revalued as land and building and stock to be reduced by 20%. So there are two different adjustments in this adjustment number 4. We will solve two different adjustments individually. Number one is land and building. So land and building, let us check the value from the question. The value from the question is 10 lakhs. And if you see in the adjustment value is 12 lakhs. So question mein tha 10 lakhs, adjustment mein tha 12 lakhs. तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में 2 लाख का, लेकिन वैल्यू बढ़ रहा है दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। तो वैल्यू बढ़ रहा है तो हमने सीखा था कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितना डिफरेंस था हमारा डिफरेंस था 2 लाख। तो जो भी आपका डिफरेंस है वो आपको लिखना है 2 लाख एंड सिमिलरली 2 लाख बीइंग रिवैल्यूड असेट, ये आपका नरेशन होगा। फिर स्टॉक के बारे में बोला है कि स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है स्टॉक में, तो स्टॉक इज रिड्यूस बाय 20%। तो स्टॉक का रिडक्शन कितने परसेंट से है, 20% से। तो स्टॉक की वैल्यू चेक करते हैं, 4 लाख आपके स्टॉक की वैल्यू है, 4 लाख का 20% आपको कैलकुलेट करना है। 4 लाख का 20% कितना आएगा, 80,000। सो एंट्री करेंगे हम, एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो अमाउंट कितना बनेगा, 80,000। कैपिटल रिडक्शन डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई। तो हमने पहले भी पढ़ा था अगर असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, अगर असेट्स की वैल्यू कम होगी तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट करना है। दिस इज द बेसिक रूल फॉर असेट्स रिवैल्यूड। तो कोई भी असेट्स का एडजस्टमेंट आपके पास क्वेश्चन में आए, ये रूल आप अपने पास लिख के रखना ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और इसी से आप सॉल्व करोगे तो आपके सारे एडजस्टमेंट्स राइट आएंगे। फर्दर विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। द एडजस्टमेंट नंबर 5th इज creditors dues were settled as 30% immediate payment, 50% paid by issue of 10% debentures and balance to be cancelled. अब इसको किस तरीके से करना है ये ध्यान रखना, इसको किस तरीके से हमको करना है। तो इसके लिए पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप, जब भी क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट आए तो आप पहले क्रेडिटर्स की अमाउंट देखें क्वेश्चन में कितनी है। तो क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है, क्रेडिटर्स की अमाउंट है 2 लाख। सो आई विल बी नोटिंग इट 2 लाख। तो क्रेडिटर्स अमाउंट इज 2 लाख। आफ्टर दैट वी नीड टू रीड द एडजस्टमेंट। 30% इमीडिएट पेमेंट, तो 30% इमीडिएट पेड है, तो यहां पे आएगा बैंक। 50% बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो रिमेनिंग जो 50% है उसके लिए हमने डिबेंचर्स इश्यू किया है 10% डिबेंचर्स।
सिमिलरली बैलेंस बाकी बोल रहा है कैंसल, तो 50 प्लस 30 कितना होता है 80, तो यहां पे कितना परसेंट बचेगा 20%, 100% में से आप दोनों माइनस कर दोगे तो ये क्या हुआ है, दिस इज कैंसल्ड, तो कैंसल्ड मतलब कैपिटल रिडक्शन। सो काफी सिंपल एंट्री है, जिनको भी जनरल एंट्री फ्रेम करने में प्रॉब्लम्स होते हैं ध्यान से समझना, जिसे भी हम पे करेंगे वो डेबिट होगा और जो जो चीजें हमने पे की है वो क्रेडिट होंगे। जैसे ये जो पॉइंट है क्रेडिटर्स का, सो वी आर पेइंग हुम, वी आर पेइंग क्रेडिटर्स, तो एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू 10% डिबेंचर्स टू कैपिटल रिडक्शन, तो ये आपका एंट्री है। अमाउंट अभी हम लिखेंगे ध्यान से, तो मैंने यहां पे एंट्री लिखा है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू 10% डिबेंचर्स टू कैपिटल रिडक्शन। सबसे पहला स्टेप, क्रेडिटर्स की अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट साइड में, तो क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है 2 लाख। कितना परसेंट कैश पेमेंट किया है या इमीडिएट पेमेंट किया है 30%, तो 2 लाख का 30% हमें काउंट करना है, दैट विल बी 60,000 इमीडिएट पेमेंट। 10% डिबेंचर्स कितना दिया 50% दिया है, तो 2 लाख का 50% कितना होता है 1 लाख, सो 1 लाख विल बी योर 10% डिबेंचर्स। अगर आप प्लस करके माइनस करोगे तो भी आपको आंसर आएगा, अगर आप परसेंटेज ढूंढोगे तो भी आपको आंसर आएगा। तो 1,60,000 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख में से 1,60,000 अगर हम डिडक्ट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 40,000। सो दैट इज द एंट्री, वेरी सिंपल। सो क्रेडिटर्स आर सेटल्ड, तो दैट इज वाई क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड वॉट एवर वी आर पेइंग देम वो सारी चीजें क्रेडिट होगी। जैसे परसेंटेज आएगा वैसे आप उसका अमाउंट लिख सकोगे। पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडजस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट, इफ यू अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट अमाउंट लिखना काफी ईजी बन जाएगा। नरेशन है बीइंग सेटल्ड क्रेडिटर्स। फर्दर नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाएंगे, एडजस्टमेंट नंबर 6 जो आपके अभी तक के सारे क्वेश्चंस में आया है और आपके पेपर में भी आएगा, बिकॉज ये इंटेंजिबल और फिक्टिशियस असेट्स के बिना ये चैप्टर इनकम्प्लीट है, तो दैट इज वाई दिस एडजस्टमेंट विल बी कॉमन और इसका आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए। लेट अस चेक इंटेंजिबल और फिक्टिशियस में कौन से असेट्स हमारे असेट सेट में अवेलेबल है। सो वी हैव गुडविल ऑन द असेट साइड, वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस, वी हैव प्रिलिमिनरी। सो टोटल 3 असेट्स है मेरे पास, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिलिमिनरी। सो लेट अस पास द एंट्री, आई थिंक आपको एंट्री अभी याद हो गया रहेगा। एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू सारे असेट्स जो भी आपके हैं वो सारे असेट्स लिखने हैं, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो गुडविल की अमाउंट कितनी है वो पहले लिखेंगे। गुडविल की अमाउंट है 2 लाख। फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है 1 लाख, तो पहले क्रेडिट साइड लिखना है ये याद रखना, फिर प्लस करके डेबिट लिखेंगे। प्रीलिमिनरी की अमाउंट कितनी है, प्रीलिमिनरी की अमाउंट है 4 लाख, सो हमको सबको ऐड करना है 4 लाख प्लस 2 लाख इज 6 लाख प्लस 1 लाख इज 7 लाख, तो 7 लाख आपका आएगा डेबिट साइड पे। नरेशन इज वेरी सिंपल, बीइंग रिटन ऑफ असेट्स, सिंपल तरीके से आप नरेशन को लिखना, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखना। फर्दर एडजस्टमेंट नंबर 7 इस क्वेश्चन का नया पॉइंट, और ये काफी सारे पेपर में भी एडजस्टमेंट पूछा गया है, सिर्फ यहां पे डिनोमिनेशन चेंज किया है। दैट इज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 6 ईच वेर इशूड टू द पब्लिक फॉर कैश, तो दिस शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक, सो पब्लिक को इशू किया है, दैट इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज फ्रेश इशू। सो कंपनी हैज इशूड फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक, वेरी सिंपल एंट्री। इन SY ऑल्सो यू हैव लर्न इन द चैप्टर ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वेन एवर शेयर्स आर इशू टू द पब्लिक और वेन एवर वी आर मेकिंग फ्रेश इशू, सिंपल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो हमको सिंपल एंट्री करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, कितने शेयर्स हमने यूज किए या इशू किए है 10,000 और कौन से रेट में इशू किए 6, तो 10,000 इंटू 6 आप करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 60,000, तो दैट विल बी योर फाइनल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो दैट वॉज ऑल द एडजस्टमेंट्स विच वी हैव कवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन, तो एडजस्टमेंट के साथ मैंने आपको अमाउंट भी कैलकुलेट करके बताया किस तरीके से होगा। एक लास्ट एंट्री हम करते हैं कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं है, तो लेट अस चेक क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस 0 आ रहा है। लेट अस चेक, देखो 4 लाख यहाँ पे क्रेडिट है तो ये 4 लाख प्लस होगा, 1 लाख यहाँ पे क्रेडिट है 1 लाख प्लस होगा, 40,000 यहाँ पे क्रेडिट है 40,000 प्लस होगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं, कैपिटल रिडक्शन लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख ये क्रेडिट है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, कैपिटल रिडक्शन 80,000 डेबिट यहाँ पे माइनस होगा, क्रेडिटर्स में कैपिटल रिडक्शन 40,000 यहाँ पे प्लस होगा। सिमिलरली यहाँ पे 7 लाख
डेबिट यहाँ पे माइनस होगा, तो आंसर आपको जीरो आएगा, इसलिए लास्ट एंट्री हमने नहीं किया है। कैपिटल रिडक्शन किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फिर भी वन मोर टाइम, सिंपल एंट्री। अगर आपके जर्नल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट दिखेगा, जैसे ये यहाँ पे देखो आप क्रेडिट है एंट्री नंबर वन में, सो जर्नल एंट्री में क्रेडिट तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड पोस्ट करना है, जर्नल एंट्री में डेबिट तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड पोस्ट करना है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, जस्ट एक वन टाइम रिविजन आपके लिए, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखे है, तो आप देख सकते हो सिमिलर पॉइंट्स है। आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करें। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज अ वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो आप 11 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे, एक लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड में असेट्स, दैट बैलेंस शीट फॉर्मेट इज क्रैप नाउ, दैट इज आउटडेटेड। हमें अभी वर्टिकल फॉर्मेट ही फॉलो करना है। और इंपॉर्टेंट है कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के ब्रैकेट में आपको एक वर्ड लिखना है, वो ध्यान रखना, बिकॉज वी आर इन अ हरी टू सॉल्व और ये वर्ड हम भूल जाते हैं, एंड रिड्यूस। तो वाई वी आर राइटिंग दिस वर्ड एंड रिड्यूस, बिकॉज ये जो बैलेंस शीट हमने बनाई है ये सारे एडजस्टमेंट्स के बाद बनाई है, इसलिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमें एक वर्ड लिखना है एंड रिड्यूस। तो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस, इसलिए आई हैव हाइलाइटेड ऑलरेडी कि आप ये वर्ड ना भूले। सो ये जो वर्टिकल फॉर्मेट आपको यहाँ पे मैंने दिया है ये हर चैप्टर में यूज होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेमिस्टर 5 एंड सेमिस्टर 6। तो जितने भी बैलेंस शीट के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो या चाहे वो बाकी कोई भी चैप्टर हो, यही फॉर्मेट आपको यूज करना है। तो ये फॉर्मेट आपने बुक्स में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट में लिख के रखे और ये ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो वी हैव द फॉर्मेट, आई हैव ऑलरेडी प्रेजेंटेड दिस, एंड अकॉर्डिंगली दिस फॉर्मेट इज एज पर शेड्यूल 3। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछे जाता है शीट की बैलेंस शीट का जो वर्टिकल फॉर्मेट है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बेस पे किस बेस पे कौन से शेड्यूल में आता है, दैट इज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, दैट वाज रिलेटेड विद वर्टिकल बैलेंस शीट। तो अभी इसको हम ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट को कैसे सॉल्व करें। देखो वर्टिकल फॉर्मेट क्या बोलता है, वर्टिकल फॉर्मेट यही बोलता है कि जो भी चीजें आप सॉल्व करने वाले हो वो पहले आप उसको वर्किंग नोट्स में सॉल्व करो। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको वर्किंग नोट्स में सॉल्व करेंगे, वहां से इसको प्रेजेंट करने वाले। तो स्टेप नंबर वन है हमारा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को किस तरीके से हमको करना है, काफी सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट बेस है जर्नल एंट्रीज, इसलिए यहां अगर आपने कुछ गलती कर ली तो वहां सारी की सारी मिस्टेक्स आप कैरी फॉरवर्ड होने वाले। सो इक्विटी शेयर के लिए पहले अमाउंट देख लेते हैं, मैं आपको अमाउंट से बताता हूँ फिर नंबर ऑफ शेयर से भी बताता हूँ। काफी इजी है लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो लेट अस चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमारे पास कितने शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स थे। इक्विटी के लिए 1 लाख शेयर्स थे हमारे पास, तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 लाख शेयर्स हमारे पास इक्विटी के लिए है। सो 1 लाख इज ऑफ इक्विटी, फाइन। नंबर ऑफ शेयर से करेंगे फिर अमाउंट से भी करेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम देखें एंट्री नंबर सेकंड में भी इक्विटी है 3 लाख, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000। सो 50,000 शेयर्स है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी लिखा है। उसके बाद एक लास्ट एंट्री था हमारा, लास्ट एंट्री में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। सो लास्ट एंट्री में नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000। सो 10,000 इज द लास्ट एंट्री। सो हमारे पास अभी फर्स्ट इक्विटी शेयर्स है 1 लाख, फिर हमने 50,000 का यहाँ पे प्रेफरेंस का है, और एक हमने पब्लिक को इशू किया था, दैट वाज 10,000। तो टोटल कितने शेयर्स है हमारे पास, टोटल हमारे पास है 1,60,000 शेयर्स। सो अभी हम अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, किस तरीके से अमाउंट आएगा। सो एंट्री में वर्किंग नोट के लिए 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 6 each. So 1,60,000 equity shares of rupees 6 each. Amount will be 9,60,000. तो इसको आप अमाउंट से भी ढूंढ सकते हो। अमाउंट से ढूंढना थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, तो अमाउंट से कैसे ढूंढना है, देखो अमाउंट से कैसे ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में कितना है हमारे जर्नल एंट्री में, 6 लाख है, प्लस सेकेंड एंट्री में हमारे कितना है इक्विटी, 3 लाख है। तो 6 लाख प्लस 3 लाख कितना होता है, 9 लाख। और लास्ट एंट्री देखो, लास्ट एंट्री में 60,000 है। सो 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 60,000 कितना बना, 9,60,000। ये आपके लिए इजी मेथड, दोनों मेथड से मैंने बताया। तो 9,60,000 वी कैन राइट डायरेक्टली ओवर इन द अमाउंट कॉलम एंड देन वी कैन डिवाइड। देखो 9,60,000 लिखने के बाद आपको ये 9,60,000 को ये 6 से डिवाइड करना है,
तो आपको ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। आइदर और वी कैन राइट नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 6 यू विल गेट 960, और 960 डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट 160,000 शेयर्स। एनीथिंग वी कैन डू, लेकिन सही कैलकुलेशन होना चाहिए। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट विल मूव प्रेफरेंस के लिए। तो प्रेफरेंस का कितना शेयर्स है? प्रेफरेंस काफी सिंपल है, प्रेफरेंस के लिए 50,000 शेयर्स है 2 रुपीज का, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं बनता। सो यहां पे हम लिखेंगे 50,000 कॉमा 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 2 ईच। तो 50,000 इंटू 2, ऑलरेडी अमाउंट हमने कैलकुलेट करके रखा था, दैट विल बी 1 लाख। ठीक है, आपको फिर प्लस करना है 960 प्लस 1 लाख, दैट विल बी 1060,000। सो दिस इज द कैलकुलेशन नंबर 1। पहले सारे वर्किंग नोट बना लेंगे, फिर बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने का ही काम रहेगा। हमारा सेकेंड पॉइंट क्या बनता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में आपको याद रखना है कैपिटल रिजर्व जो हमारे लास्ट एंट्री में आता है वो होगा, फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है इसलिए नील लिख रहा हूं। अगर नहीं बनाएंगे वर्किंग नोट तो भी चलेगा, आपके पॉइंट्स के लिए कि आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने बनाया। नंबर थर्ड इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो डू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या लिखना है हमको? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमको लिखना है डिबेंचर्स। अभी डिबेंचर्स बहुत कैलकुलेटिव है, ध्यान से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में वी हैव 10% डिबेंचर्स 2 लाख, तो आपको करना कैसे है सॉल्व? सबसे पहला स्टेप आपको डिबेंचर्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं 10% डिबेंचर्स, क्वेश्चन में था 2 लाख, तो मैंने क्वेश्चन की अमाउंट यहां पे लिखी है। उसके बाद जर्नल एंट्री में जाना है सीधा, जर्नल एंट्री में देखना है 10% डिबेंचर्स की एंट्री। तो 10% डिबेंचर्स की हमारे पास थर्ड नंबर की एंट्री है और उसमें 40,000 वेव्ड हुआ था। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर की एंट्री है, उसमें 1 लाख क्रेडिट हुआ है। तो हमें क्या करना है? 40,000 वेव्ड हुआ था तो 2 लाख में से 40,000 को हमें माइनस करना है सिंस इट इज कैंसल्ड, और हमने इशू किया था 1 लाख, तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 लाख को प्लस करेंगे। तो 2 लाख माइनस 40,000 प्लस 1 लाख, द आंसर बिकम्स 2,60,000। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज योर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का आप अगर जर्नल एंट्री ध्यान से करोगे तो आपके सारे आंसर राइट आ जाएंगे। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 4, दैट इज क्रेडिटर्स। लेकिन क्रेडिटर्स तो सेटल्ड हो चुके हैं, वो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज अदर करंट लाइबिलिटीज। उसमें क्वेश्चन में पॉइंट दिया है डायरेक्ट वैल्यू अवेलेबल, तो अदर करंट लाइबिलिटी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था हमारा। अदर करंट लाइबिलिटी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इट्स 7 लाख, तो वी कैन डायरेक्टली राइट अदर करंट लाइबिलिटीज एज 7 लाख। ओके, सो इट्स वेरी इजी, वी हैव टू जस्ट प्रेजेंट दिस। दिस इज अवर लाइबिलिटी साइड। अभी लाइबिलिटी साइड को प्रेजेंट कर लेते हैं, देन वी कैन मूव टूवर्ड्स द असेट साइड। लाइबिलिटी साइड का प्रेजेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के लिए हमें कितना आंसर मिला था? शेयर कैपिटल के लिए हमें मिला था 1,60,000। कौन से नोट में मिला था? नोट नंबर यहां पे लिखना है, तो नोट नंबर में यहां पे लिख रहा हूं 01, नंबर 1। तो फर्स्ट नोट में हमने 1,60,000 ढूंढा है। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने बनाया था लेकिन वहां पे नील है, तो यहां पे हम लोग नील लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का आंसर कितना मिला था? तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए हमारा नोट नंबर था 3। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए कितना मिला था आंसर? दैट वॉज 2,60,000। तो 2,60,000 आई हैव रिटन। उसके बाद बाकी कोई भी नहीं था, ट्रेड पेबल्स भी नहीं था, क्रेडिटर्स हमारा नील है बिकॉज हमने सेटल्ड कर दिया। अदर करंट लाइबिलिटीज हमारा नोट नंबर 4 है। अदर करंट लाइबिलिटीज में कितना आंसर मिला था? दैट वॉज 7 लाख, क्वेश्चन का ही अमाउंट ऑलरेडी गिवन है। सो दैट वॉज द पॉइंट इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। देन वी हैव टू ऐड दिस 1,60,000 प्लस 7 लाख प्लस 2,60,000, तो दैट विल बी 20,20,000। तो दिस इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। यही टोटल हमें असेट साइड में मिलना चाहिए, तो हमारा इतना जो भी कैलकुलेशन है वो राइट होगा। लेट अस मूव टूवर्ड्स द लाइबिलिटी असेट साइड नाउ। सो असेट साइड वेरी इंपॉर्टेंट, नोट को कंटिन्यू करना है। नंबर 5, इस चैप्टर में इनटैंजिबल असेट्स हम नहीं लिखेंगे, ओनली टैंजिबल लिखेंगे बिकॉज इनटैंजिबल ऑलरेडी राइट ऑफ होता है। तो टैंजिबल असेट्स में कौन सा पॉइंट है? टैंजिबल असेट्स में सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग।
लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज एप्रिसिएटेड. तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए वैल्यू लिखते वक्त सबसे पहले क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में जाना. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 12 लाख, तो 12 लाख डायरेक्टली आपको यहाँ पे कॉपी करना है. तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बनेगी 12 लाख. फाइन. फर्दर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट. सो वॉट एवर investments are given in the question, so let us check if you have the investments in the question or not. So if you check investments are given, there was no adjustment on investments, तो हम क्या करेंगे, investments की value जो 5 lakhs है वो same लिखेंगे. तो investments की value I am writing over here and that is 5 lakhs. तो ये working note बनाने की वजह से थोड़ा time consuming बन जाता है, but Indian Companies Act में ऐसे ही बोला है कि notes to accounts is a part of answer, notes to accounts आपको बनाने हैं, then we have to transfer. Further नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे नंबर 7, दैट इज इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज इज नथिंग बट द स्टॉक. तो इन्वेंट्रीज देखते हैं आपके क्वेश्चन में कितना है. इन्वेंट्रीज आपके क्वेश्चन में है, स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट था रिडक्शन का, तो इन्वेंट्रीज आपके क्वेश्चन में है मतलब स्टॉक है 4 लाख्स. और एडजस्टमेंट में चेक कर रहे थे स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस हुआ था. एंट्री नंबर 5th हमने किया है 80,000, तो 4 लाख्स में से 80,000 माइनस करना है. आई विल राइट इन द ब्रैकेट नाउ 4 लाख्स माइनस 80,000. सो 4 लाख्स माइनस 80,000 दैट कम्स टू 3,20,000. ओके, सो दैट इज द एडजस्टमेंट नंबर 7. उसके बाद पॉइंट नंबर 7, उसके बाद पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 8 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. We have to write in that bank. अभी बैंक के लिए कैलकुलेशन है, रूल बताता हूँ, काफी सिंपल है. जितने बार डेबिट हुआ है वो प्लस करो, जितने बार क्रेडिट हुआ है वो माइनस करो. ये सिंपल रूल, इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब हम देखेंगे किस तरीके से इसका आंसर आ रहा है. सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन में बैंक है या नहीं. तो क्वेश्चन में बैंक देखेंगे तो वी डोंट हैव बैंक इन द क्वेश्चन. एडजस्टमेंट में देखते हैं बैंक, तो बैंक एडजस्टमेंट में अवेलेबल हमारे जर्नल एंट्रीज में एक बार चेक कर लेते हैं. जर्नल एंट्रीज में जहां पे भी बैंक डेबिट होगा वो प्लस करेंगे, क्रेडिट होगा वो माइनस करेंगे. सो बहुत सारे एंट्रीज में है अगर हम चेक करें ध्यान से तो. सो हमारे 6th नंबर के एंट्री में बैंक दिख रहा है 60,000 क्रेडिट, तो क्रेडिट क्या करना है हमें, माइनस करना है. और 8th नंबर के एंट्री में दिख रहा है 60,000 डेबिट, तो 60,000 प्लस करना है, 60,000 माइनस करना है. 60 प्लस 60 माइनस, आंसर आएगा 0. तो इसलिए बैंक की वैल्यू यहां पे बन जाएगी 0 या nil. तो आई एम राइटिंग ओवर हियर एज nil. तो दैट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन. अभी इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके देखते हैं टैली होता है नहीं. सो टैंजिबल असेट्स, टैंजिबल असेट्स में क्या था हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग. कितना आंसर मिला था हमको, 12 लाख्स. तो 12 लाख्स वॉज अवर टैंजिबल. इनटैंजिबल नील है. इनटैंजिबल गुडविल था, गुडविल को हमने राइट ऑफ कर लिया इसलिए नहीं लिखना है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी थी हमारी, 5 लाख्स, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है वर्किंग नोट्स में. फाइन. फर्दर इन्वेंट्रीज की वैल्यू कितनी थी, तो लेट अस चेक द वर्किंग नोट. इन्वेंट्रीज कितना है हमारा, 3,20,000 है. तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू है 3,20,000. तो इन्वेंट्रीज के सामने हम लिखेंगे 3,20,000. और एक इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको नोट नंबर लिखते जाना है. 4th नंबर यहां पे आएगा, 5th नंबर यहां पे आएगा, 6th नंबर इन्वेंट्रीज के लिए आएगा, 7th नंबर. ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, बट सिंस वी आर नॉट हैविंग आई हैव नॉट रिटन. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे लिए है 8 नंबर, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आंसर कितना था, नील था. सो 12 लाख्स प्लस 5 लाख प्लस 3,20,000. तो अगर हम तीनों को ये प्लस करें तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 20,20,000. तो दैट इंडिकेट्स अवर आंसर इज राइट, बैलेंस शीट इज टैलीड ओवर हियर, एंड दिस क्वेश्चन इंक्लूड्स एवरीथिंग, जर्नल एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है. जो भी आपके पॉइंट्स हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी तक सॉल्व करवाए सारे इसमें अवेलेबल है. सेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट जर्नल एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट इन दिस क्वेश्चन. सो दिस इंक्लूड्स द क्वेश्चन विच कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विच विल कैरी 20 मार्क्स इन द पेपर. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कुछ नए एडजस्टमेंट्स के साथ. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.